नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता हो वही हैवान बन जाए तो और किससे क्या कहा जाए। ऐसा ही एक मामला जनपद जालौन के कोंच में प्रकाश में आया है, जहां भदेवरा की एक युवती लक्ष्मी आहिरवाद पत्नी राजेंद्र कुमार उर्फ झवर को प्रसव के लिए उरई रोड मंगला नाले के पास स्थित JPS हॉस्पिटल में लाया गया, जहां चिकित्सक जितेंद्र ने अपने यहां एडमिट कर लिया और ऑपरेशन शुरू कराया। फीस के नाम पर 8,000 रुपए तय किए गए। ऑपरेशन करने के बाद शिशु के कुछ पार्ट्स निकालकर प्रसव कराने आई युवती की सास को सौंप दी और उसकी छुट्टी कर दी। जब महिला घर पहुंची तो उसके रात में पेट में दर्द बढ़ा, जिससे महिला पूरी तरह कराहने लगी। उसकी सास और आसपास की महिलाएं एकत्रित हो गईं और उसे टॉयलेट के लिए ले गईं, तो उसके कोख से शिशु का आधा सर बाहर आ गिरा, जिसे देखकर महिलाएं घबरा गईं और प्रसव वाली युवती की हालत बिगड़ने लगी, जिसे फिर उसी हॉस्पिटल में लाया गया और चिकित्सक को हकीकत से अवगत कराया। तो चिकित्सक पहले तो पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने लगा। जब वहां भीड़ एकत्रित होने लगी तो उसने लालच देकर पीड़ित परिवार को शांत कराना चाहा, पर पीड़ित जन युवती के सही इलाज के लिए जिद करने लगे तो उन्हें कस्बे की महिला चिकित्सक डॉक्टर शालिनी अग्रवाल के पास भेजा गया। डॉक्टर शालिनी अग्रवाल ने केस की जानकारी की तो उन्होंने केस लेने से इनकार कर दिया। फिर उसे डॉक्टर RB जैन के यहाँ ले जाया गया, जहाँ युवती का एक्सरे कराया गया और कुछ दवा देकर घर भेज दिया गया। इसी बीच उसके पति राजेंद्र कुमार अहिरवार उर्फ झवर उर्फ रतन सिंह ठाकुर को फोन करके CHC कोच में बुलाया गया। वहां नायब तहसीलदार संजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक इमरान खान और CHC चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश शुक्ला और JPS हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उनके स्वजाति लोगों के समक्ष बयान लिए गए। बयान के बाद हमारी टीम को राजेंद्र कुमार अहिरवार उर्फ झवर उर्फ रतन सिंह ठाकुर का फोन आता है कि आप पत्रकार बोल रहे हैं। जब उत्तर हाँ में मिलता है तो उसने कहा, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप मेरी बात शासन तक पहुंचाएं और मेरी मदद करें। जिनके साथ जो घटना घटी है, क्या नाम तुम्हारा है? लक्ष्मी है। देखिए उनकी दशा, देखिए उनके हालात, देखिए उसको देख करके उनसे जानना चाहूंगा क्या क्या आपको महसूस होता है, क्या लग रहा है कि आप अभी ठीक हैं, आपको लगता है कि हम स्वस्थ हैं क्या, थोड़ा आगे आके बताइए। अभी हम कैसे बता दें कि हम स्वस्थ हैं, जब ये हालात अभी हमारे चलने के लायक नहीं है। हम कुछ भी ज्यादा नहीं बोल सकते। हम इतना जानते हैं कि जिस तरह मेरे साथ हुआ किसी अन्य व्यक्ति की औरत के साथ ना हो, जो मेरे साथ घटना घटी किसी और के साथ ना हो। पूरी जनता तक ये हमारी बात पहुंचाना आप लोग का फर्ज है और आप लोग पहुंचाइए। और कल मीडिया वाले भी यहाँ डिप्रेशन लेकर आए थे, सभी लोग ने रिकॉर्ड करा, लेकिन आज तक भी किसी जनता के पास बात हमारी पहुंचा नहीं है। कुछ भी घटना किसी के पास नहीं पहुंची। हम ये जान बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते कि ना मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, मुझे उसकी अफसोस नहीं है, लेकिन बस फिक्र ये है कि जनता के तक हमारी बात पहुंचे कि कल के डॉक्टर किसी और के साथ ऐसा ना कर सके। बिल्कुल, देखिए आपको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जो आपने विश्वास मीडिया पर जताया है वो आपकी बात हर जगह पहुंचा जाएगी। तो जब ये सर कल प्रकरण आया था उसमें मतलब एक महिला का लेकर, तो उसमें क्या कार्रवाई की गई और आपके द्वारा क्या जानकारी मिली? कल एक संज्ञान में आया था केस कि 7 तारीख को देवरा की कोई लक्ष्मी नाम की महिला, यहाँ एक हॉस्पिटल है बलंगा में GPS लाइव, वहाँ पर लाई गई और उसके घर वालों ने बताया कि उसको 4-5 महीने गर्भ था और सुबह उसको ब्लीडिंग हुई, खून आना चालू हुआ, पेट में दर्द हुआ, उसके लिए लाए थे। तो यहाँ डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया, बताया गया कि उसको हैबिटुअल एबॉर्शन का केस था। एबॉर्शन मतलब बच्चा अपने आप गिर जाता है कई बार। इलाज करने के बाद महिला को घर भेज दिया गया। अब दूसरे दिन जब वो बाथरूम वगैरह गई होगी तो उसको कुछ पार्ट या कचरा जिसको बोल रहा था वाले दिखाई दिया, तो घबरा के फिर लाया डॉक्टर साहब के पास और डॉक्टर साहब के इलाज से संतुष्ट नहीं थे शायद वो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप हमसे संतुष्ट नहीं है तो इसको और कहीं दिखा लीजिए। उसके बाद घर वाले उसको डॉक्टर RB जैन के घर ले गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और रिपोर्ट में बताया कि उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, थोड़ी दवाई देकर उसको उसी तुरंत ही घर भेज दिया। अब संदेह में आया कि महिला घर पर है, सब स्वस्थ है। नहीं, अभी जानकारी मिली है तो मैं वहाँ से आया हूँ तो बताया जा रहा है कि उसकी हालत अभी भी नाजुक है। नहीं नहीं, हम लोग अभी खबर नहीं है, कल जो उसको बता रहा था जो ठीक है। डॉक्टर जैन साहब के पहले भी कहीं उस महिला को भेजा गया था, उन्होंने लिया नहीं। डॉक्टर अग्रवाल है कोई महिला अग्रवाल? नहीं, उसका नहीं जानकारी। नहीं, उसके जो है पहले बताया गया जो पास की बात कर रहा हूँ उसके पहले कुछ जानकारी।